हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज मैं एक नए सिरे से जो है क्रिएट वॉल, हाउ टू क्रिएट वॉल इन रिविट 2022, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 3D में वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर ये टेम्पलेट यहाँ से चूज कर लेंगे हम लोग। आर्किटेक्चरल वॉल अभी आज बनाएंगे, तो आर्किटेक्चरल वॉल में जाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया है और अभी के लिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं वॉल को क्रिएट करना। तो आप यहाँ आर्किटेक्चर मोड में जाएंगे और यहाँ से वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर से आप जो है उसकी थिकनेस जो है उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे आप 8 इंच, 12 इंच या फिर जेनरिक में मेजनरी वॉल या जेनरिक में मेजनरी और जेनरिक में बस एक ही फर्क होता है कि मेजनरी में आपको जो है ब्रिक बॉन्ड दिखेगा और जेनरिक में आपको एज ए प्लास्टर होके दिखेगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ से आपको जो हाइट लेनी हो वो हाइट ले लेंगे लेवल 2 तक और जो वॉल सेंटर लाइन कर लेंगे फिर जॉइन स्टेटस में अलाउ कर देंगे। चलिए फिर यहाँ से हम एक आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे जितनी लंबाई आपको वो इनपुट कर देंगे आप। जैसे आपको 60 फीट चाहिए तो 60 फीट कर लीजिए, फिर इधर से आप जो है आप 40 फीट का कर लीजिए और फिर आप 60 फीट या फिर ऐसे आप इसको ऐड कर लीजिए। आप कुछ भी अपने अनुसार जो है वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको कहीं से भी आप क्लिक करेंगे आपका वॉल क्रिएट होके निकल के चला आएगा। चलिए अभी हम इसको जाके अपना 3D व्यू में देखते हैं। 3D व्यू के लिए हम जो यहाँ से सिंपल डिफ़ॉल्ट 3D व्यू को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप अपना इधर कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। ये अपनी वॉल शो हो रही है, इसको अभी हम शेडेड पोर्शन इधर से कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा या फिर रियलिस्टिक व्यू में अपने को ऐसा दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल फिनिश होके, यही अभी हम मेजनरी वॉल क्लिक किए होते तो हमको यहाँ पर ब्रिक पॉन्ड शो होता। चलिए हम फिर से अपने लेवल 1 पर आ जाते हैं और अभी आपको जो है हम वॉल की टाइप को दिखाते हैं। यहाँ से हम कर्टन वॉल को क्लियर बना सकते हैं, स्टोर फ्रंट मतलब सामने का व्यू बना सकते हैं। तो आपको एक कर्टन वॉल भी बना के मैं दिखाना चाहूँगा। कर्टन वॉल बिल्कुल देखिए ऐसे बनता है। ये अभी आपको 3D व्यू में जाएंगे तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह दिख शो होगा। चलिए अभी हम आपको जो है इसकी थिकनेस को चेंज करके दिखाते हैं। अभी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, स्केप देंगे, इसको सिलेक्ट करने के लिए या सेव कर देंगे, सारा सिलेक्ट होके अपना आ जाएगा। इसको मॉडिफाई करने के लिए जैसे इसकी थिकनेस अभी हम जो है 12 इंच कर देंगे, ये अपना 12 इंच बन के आ जाएगा और इसको 6 इंच में जाएंगे जेनरिक 6 इंच 6 इंच। अगर यहाँ पर आपको मेंशन नहीं हो रहा आपका थिकनेस जो प्रॉपर थिकनेस चाहिए तो उसके लिए आप जो है यहाँ से एडिट टाइप में जाएंगे और एडिट टाइप में जाके आप जो है यहाँ एक डुप्लीकेट बना लेंगे। मान लीजिए आपको 14 इंच का वॉल चाहिए तो आप 14 इंच कर लेंगे, ओके कर लेंगे और फिर आप यहाँ से जो है एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर 6 इंच का वॉल दिख रहा है, यहाँ पर आप 14 इंच कर दीजिए। उसके बाद आप ओके कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अभी आप इसको जो है आपका ये 14 वॉल, इसको चेक करने के लिए आप एनोटोट में जाएंगे और यहाँ से लीनियर क्लिक करेंगे, यहाँ से लीनियर और यहाँ से इसकी थिकनेस चेक करने के लिए आप ये देखिए। अभी हम इधर आपको क्लिक करके दिखाएंगे। हाँ आप इसको क्लिक कर लीजिए, सिंपल लीनियर में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, आपको ये बन के आ जाएगा। ये देखिए 1.2 इंच मतलब 12 इंच और प्लस 2 इंच 14 इंच।